रेडियो खांची, हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची। यह लेक्चर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य एवं एमएन श्रीनिवास पर दे रहा हूँ। यह लेक्चर रांची विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हरेक समाजशास्त्र के छात्रों के लिए उपयोगी है। वैसे एमए फोर्थ सेमेस्टर एवं समाजशास्त्र प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए यह विशेष उपयोगी होगा। इस लेक्चर से जुड़े पुस्तकों में मैं दो पुस्तक आपके लिए रिकमेंड करूंगा। पहला होगा समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, गुप्ता एवं सैनिंग, और दूसरा इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट, बी के नागला की। जैसा कि आप सभी समाजशास्त्र विषय से जुड़े छात्रगण जानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला एक सामाजिक विज्ञान है, इसलिए यह समाजशास्त्र समाज के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों का उपयोग करता है। उक्त संदर्भ में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्र की एक अति महत्वपूर्ण पद्धति है, जिसका उपयोग विश्व के देशों के अलावा भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा व्यापक रूप से समाज को समझने के लिए किया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर इस पद्धति के जनक माने जाते हैं। मूलतः संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति जीव विज्ञान से मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र में आया। स्पेंसर के अलावे दुर्खाइम, मेलिनोवस्की, ब्राउन, मर्टन, पार्सन्स, नेडल आदि विद्वान इसके प्रबल समर्थक विद्वान हैं। भारत के समाजशास्त्रियों में एमएन श्रीनिवास इस पद्धति के प्रारंभिक विचारक रहे हैं। श्रीनिवास के अलावे दुबे, आंद्रे वेते, एमएन शाह, कैथलीन गफ, मैकी मैरियट, एन आर सेठ ने भी इस परिप्रेक्ष्य का उपयोग अपने अध्ययनों में किया है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य समाज को एक जीवधारी समकक्ष मानकर समाज के विभिन्न अंगों से जुड़ी एक समग्रता के रूप में स्वीकार करता है, जहां समाज के अंग समाज को बनाए रखने के लिए अपना एक निश्चित योगदान देते हैं। इसलिए यह परिप्रेक्ष्य किसी सामाजिक घटना या समाज के किसी भाग या अंग का विश्लेषण समाज के अन्य अंगों के साथ उसके संबंध हों और समग्र समाज को बनाए रखने में किए जाने वाले उसके योगदानों के संदर्भ में करता है। यह परिप्रेक्ष्य मानकर चलता है कि समाज के हर एक अंग का विकास समाज अपनी कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। यह पद्धति यह भी जानने का प्रयास करता है कि समाज का हर एक अंग समाज की कौन सी आवश्यकता को पूरा करता है, कैसे पूरा करता है, एवं शेष अंगों के साथ इस अंग का कैसा संबंध है। एमएन श्रीनिवास भारत के एक प्रमुख समाजशास्त्री एवं मानवशास्त्री विद्वान थे, जिनका जन्म 1916 में एवं मृत्यु 1999 में हुई थी। समाजशास्त्र के एक अग्रणी योद्धा के रूप में मृत्यु पूर्व तक एमएन श्रीनिवास की भूमिका समाजशास्त्र में रही है। जीएस घुरी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी कहा जाता है, के शिष्य श्रीनिवास बम्बई विश्वविद्यालय से एमए, पीएचडी एवं लॉ की उपाधि पाई थी। एमएन श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग समुदायों पर अपना पीएचडी शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। कालक्रम में उच्च शिक्षा हेतु एमएन श्रीनिवास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने डीफिल की उपाधि रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया पर प्राप्त किया। श्रीनिवास की ब्राउन एवं इवांस प्रिचार्ड के साथ ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करने का मौका मिला था। एमएन श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन में सर्वप्रथम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके जाति व्यवस्था के संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पक्ष पर प्रकाश डाला
अपितु भारतीय समाज में धर्म के प्रकारवादी पक्षों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया था। इस संदर्भ में श्रीनिवास द्वारा दक्षिण भारत के कुर्ग समुदाय तथा मैसूर जिले के रामपुरा गांव का अध्ययन एक उल्लेखनीय कार्य माना जाता है। अपने प्रारंभिक अध्ययन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में कुर्ग समुदायों के मध्य धर्म का विश्लेषण में श्रीनिवास ने संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था और विभिन्न स्तरों पर हिंदू धर्म एवं उनके प्रकारवादी भूमिका को जानने का प्रयास किया था। उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीनिवास ने पहली बार फैलाव की अवधारणा का उपयोग किया और यह बताया कि धर्म का कुछ पक्ष उत्सव एवं त्यौहार राष्ट्र स्तर तक प्रचलित हैं तो कुछ स्थानीय स्तर तक। सभी स्तरों में यह उत्सव अपनी प्रस्तुति अपनी उत्सव सामुदायिक एकता एवं सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ भी यह भी श्रीनिवास ने बताया कि कैसे धर्म समाज में सामुदायिक एकता लाने का कार्य करता है। श्रीनिवास के अनुसार त्यौहार उत्सव परिवार गांव एवं समग्र कुर्ग पर सामुदायिक एकता को सुदृढ़ करते हैं। संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का उपयोग श्रीनिवासन ने मैसूर जिले के रामपुरा गांव के अध्ययन में भी किया था। रामपुरा गांव के अपने अध्ययन में जाति व्यवस्था अंतरजातीय संबंध जातीय गतिशीलता प्रचलित संस्कार के सामाजिक प्रकारों पर प्रकाश डाला था। संस्कारों का सामाजिक एवं व्यक्तिगत जीवन पर प्रभावों का भी एमएन श्रीनिवास ने विश्लेषण किया था। प्रभु जाति की अवधारणा को भारत के ग्रामीण परिदृश्य में जाति व्यवस्था संबंध शक्ति संरचना एवं राजनीतिक संबंधों के विश्लेषण में श्रीनिवास ने किया था और यह रामपुरा गांव का अध्ययन संरचनात्मक प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। श्रीनिवास ने रामपुरा के अध्ययन में जाति व्यवस्था के प्रकारात्मक पक्षों के विश्लेषण में जजमानी व्यवस्था एवं प्रभु जाति के प्रकारों की चर्चा की। इसके अलावा अछूतों के प्रकारों की चर्चा की एवं ग्रामीण समाज में विभिन्न अंगों के बीच पाए जाने वाले प्रकारात्मक संबंधों को भी उजागर करने का प्रयास किया था। इन सब के अलावा श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को भी प्रस्तुत किया एवं जातीय संस्करण में निम्न जातियों द्वारा उच्च एवं द्विज जातियों के मूल्यों व्यवहार प्रतिमानों जीवन शैली को मान्यता एवं अनुकरण करके जातीय सोपान में अपनी प्रस्तुति को उठाने का प्रयास करने का भी एमएन श्रीनिवास ने चर्चा की और ग्रामीण समाजों में होने वाले बदलाव एवं जातीय गतिशीलता को सहमति मूलक परिवर्तन के रूप में दर्शाने का भी प्रयास किया था और यह कहा कि भारतीय समाज कभी भी खंडित समाज नहीं रहा बल्कि यहाँ सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया सदैव क्रियाशील रही है। वैसे तो एम एन श्रीनिवास के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी आलोचनाएं दी हैं जिसमें प्रोफेसर योगेंद्र सिंह विवेक कुमार आदि का नाम लिया जा सकता है। धन्यवाद।